अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है असद और मेरे साथ है मुझसे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है पाकिस्तानी पीपल नो अबाउट श्रीलंका और हम श्रीलंका के बारे में क्या सोचते हैं। नबील खान का चैनल है जिनकी हमने वीडियो ली है इस रिएक्शन के लिए, और प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे प्लीज। और जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Hello everyone, I am Naqib Khan from Pakistan and this video is about what Pakistani people think about Sri Lanka. What do you think? Tell us in comment section and make sure to like the video and subscribe to our channel. Bilkul. Thank you. Love you all. Love you. जब कोई श्रीलंका का नाम लेता है तो आपके माइंड में क्या आता है? श्रीलंका की खूबसूरती, तमिल टाइगर्स के होने वाले वहाँ पे वो जो थे मामला, पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प, तो मेरे जान में वो पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प। यार श्रीलंका हमारा एक दोस्त मुल्क है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले श्रीलंका की दोस्ती आती है, लाइक दे स्पोर्टेड अस इन क्रिकेट में आती है। एंड नंबर सेकेंड, वहाँ डोनर्स बहुत ज़्यादा हैं। श्रीलंकन आर नंबर वन इन द वर्ल्ड। वो आइस डोनेट कर रहे हैं, ऑर्गन्स डोनेट कर रहे हैं, और ये जज्बा कुर्बानी का दुनिया की और किसी कौम में नहीं। भाई श्रीलंका बहुत अच्छा मुल्क है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जजीरे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भी इसकी काफ़ी अच्छी ताल्लुकात है। श्रीलंका का जब नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मेरे माइंड में आता है वो तमिल टाइगर्स के बारे में आता है। श्रीलंका के बारे में नाम लेते हैं तो एलिफेंट वगैरह और इस तरह के जो एनिमल्स हैं उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो जहन में आती हैं। अमेजिंग कंट्री फॉर फूड लवर्स, गॉर्जियस नेशन। मेरे माइंड में क्रिकेट आती है। बिल्कुल, मेरे माइंड में भी क्रिकेट आती विद पाकिस्तान, लेकिन अब हमारे माइंड में एलआरपी आता है पहले। अब बस उनकी क्रिकेट टीम, की क्रिकेट टीम बहुत फेवरेट टीम है। माय फेवरेट प्लेयर इज संगकारा। श्रीलंका, इसमें बहुत सारे जजीरे हैं, मलिंगा, और इसके अलावा ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। कि श्रीलंका जो है पाकिस्तान के साथ मतलब एक अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश कर रहा है, इससे ये अंदाजा होता है कि मतलब जो है कि श्रीलंका पाकिस्तान को बहुत चाहता है, जबकि श्रीलंका को बहुत चाहता है। हमारे माइंड में आती है एक बहुत अच्छा मुल्क है और इसमें लोग काफी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, टूरिज्म बहुत ज्यादा बहुत है और काफी यानी गोरे बहुत जाते हैं वहाँ पे, और एक अच्छा सा मुल्क है। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, कोलंबो। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है। कोलंबो, आई थिंक कोलंबो। कोलंबो, कोलंबो, आई डोंट नो। काठमांडू। काठमांडू तो नेपाल का। अच्छा, ज्यादातर जानते तो है ना अपने भाइयों के बारे में। कोलंबो। कैपिटल ऑफ श्रीलंका काठमांडू। नहीं, काठमांडू नेपाल का। नेपाल। काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। अच्छा, कोलंबो। कोलंबो है। कोलंबो जी। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, नो आइडिया। कैपिटल ऑफ श्रीलंका मेरे ख्याल में कोलंबो है। यार वैसे क्यों नहीं पता लोगों को? नहीं, ज्यादातर को पता है। इनको नहीं पता, मुझे तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं पता? हाँ, हमें इनको पकड़ के पूछना चाहिए, क्यों नहीं पता? मुझे मिला ना तो मैं उसे आज सर्च करते हैं। ओके, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। क्रिकेट ज़्यादातर देखी जाती है श्रीलंका में, और क्रिकेट की वजह से काफ़ी लोग जानते हैं श्रीलंका को, और कोई नेशनल गेम्स का नो आइडिया। हम तो क्रिकेट में इसको देखते रहे, और क्रिकेट के अंदर जो उसका राणा टुंगा और बाकी लोग थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। जबरदस्त प्लेयर था, तुम शायद पैदा भी नहीं हुए। नेशनल गेम तो मैंने उनके साथ क्रिकेट ही देखी है, बाकी वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल है। अच्छा अच्छा, ये मुझे आज पता चला। वॉलीबॉल माय फेवरेट गेम ऑफ श्रीलंका। आपने कभी खेली? हां, खेली थी एक दफा, उंगली निकल गई थी। नेशनल गेम है। वैसे वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल है, ठीक है, आपने इजाफा कर दिया नॉलेज में। क्रिकेट नेशनल गेम है उसका। वॉलीबॉल ज्यादातर दुनिया में क्रिकेट ही मशहूर है। जैसे हमारे भी क्रिकेट, लेकिन हमारा कौमी खेल हॉकी। क्रिकेटर इन श्रीलंकन टीम, मलिंगा सर। मलिंगा तुम्हारा मेरा फेवरेट। बैट्समैन संगकारा। संगकारा, आप भी खुश हो जाए। दोनों मुरलीधरन है और कुमार संगकारा। इट्स अ वेरी फेमस मलिंगा। यस, यू गॉट इट, मलिंगा। यस, श्रीलंकन टीम में जो था वो था अपना जयसूर्या। श्रीलंकन क्रिकेटर जो ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, उसे बहुत अच्छा बैट्समैन और बहुत अच्छा स्पिनर था। जयसूर्या। फेमस फूड ऑफ श्रीलंका।
नहीं पता क्या पता है सर कुकुल मास्क उधर ना सॉरी यार ज्यादातर वेजिटेरियन है फूड श्रीलंका टी जो है सबसे कुछ जगह कोलंबो में थी वो ना मुस्लिम फूड था जिसमें हमने रिएक्शन दिया था नॉट ओके इस बारे में मुझे कोई खास आईडिया नहीं है फूड्स के बारे में कुत्तो रोटी है आई थिंक एक चीज मैं बता देता हूँ दाल चावल तो मस्त हो जैसा आप सोच रहे हैं वैसी दाल चावल नहीं मिलेगी जबरदस्त मिलेगी यार नहीं बता सकता मछली और चावल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हां आई थिंक सो चिकन करी फिश और राइस ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं वही उनका फेमस है फेमस फूड जो श्रीलंका का है ये मेरे ख्याल में राइस है जिसे हम चावल कहते हैं और कोकोनट ज्यादा मुझे पता नहीं है कि वो लोग हमारे दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे फेवरेट फूड या जिस वक्त तुम और मैं गए तब खाएंगे हाँ, खाना तो है पहले हमें पता चल चल जाए श्रीलंका की करेंसी रुपीज श्रीलंका की करेंसी के बारे में रुपीज नहीं है नहीं पता कोई गेस श्रीलंका की करेंसी रुपीज रुपया करेंसी जबरदस्त नो आइडिया आपका प्यार सच्चा है लग रहा है बहुत पता है ना सॉरी इंडिया की भी रुपीज थी इसीलिए सिर्फ बांग्लादेश की टका है रुपी बहुत अच्छा देंगे सिमिलर फ्रेंडशिप सिमिलर फ्रेंडशिप अच्छा श्रीलंका की चीजें देख के ना मुझे जोश आ गया करेंसी का कोई गेस सर नहीं पाकिस्तान इंडिया और श्रीलंका की रुपया ही है सब ये भाई जानता है ज्यादा करेंसी है वैसे जो पाकिस्तानी रुपये है श्रीलंकन उसको SLR कहते हैं श्रीलंकन रुपीस श्रीलंकन रुपीस इसका भी कोई आइडिया नहीं है करेंसी रुपीस श्रीलंकन रुपीस नेशनल ज्यादातर को पता है सिन्हालिस कोई गेस अच्छा श्रीलंका के बारे में बहुत से बंदे जानते हैं जानते हैं आई थिंक तमिल लैंग्वेज ही है उनकी तमिल भी है सिन्हाला भी है हां सिन्हाला भी पता नहीं नो आईडिया तमिल ये भी आई डोंट नो सॉरी नेशनल लैंग्वेज सराइकी या किस तरह और सराइकी पंजाबी लैंग्वेज है वो भी सॉरी मुझे आईडिया नहीं नेशनल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका तमिल है तमिल श्रीलंका की जो नेशनल मेरा यार तेरे नहीं पता तमिल है आई डोंट नो शायद तमिल सहाला सिन्हाला अगर आपको श्रीलंका जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे डेफिनेटली जाऊंगा यार क्यों नहीं जाऊंगा इतना अच्छा मुल्क है खूबसूरती है तो मैं तो जरूर जाना पसंद करूंगा हाँ जरूर जाऊंगा इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स काफी हैं जैसे ये था सिराइकी इसलिए इसका कबूल नहीं है क्या करेंगे भाई एंजॉय करेंगे हाँ फिर तो जाएंगे ऑब्वियसली अगर मतलब स्टडी और इस तरह का टूर हो तो फिर तो हम भी जाएंगे इंशाल्लाह विजिट पे जाएंगे अगर आपको विजिट का विद इन अ कंट्री या कहीं पे भी चांस मिले तो मेरे ख्याल में विजिट तो एक वैसी चीज होती है कि आप डिफरेंट थिंग्स जो है उसमें एक्सप्लोर करते हैं यस आई लव टू गो क्यों जाएंगे आप ये देखने के वहाँ के डिसेबल पर्सन के साथ वहाँ के लोगों का एटीट्यूड क्या है जी बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह ये डिसेबल पर्सन थे घूमना चाहिए फिरना चाहिए पता चल जाता है एक्सप्लोर करना चाहिए श्रीलंका जाने का तो मेरा कोई इरादा नहीं है बाहर जो नहीं बोलेंगे लेकिन मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा है ये सराइकी पहले ये सराइकी था श्रीलंका जाने का देखने का जी क्यों नहीं तू पहले भाई अपना घर तो देख ले मिला मैं बिल्कुल जरूर जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है श्रीलंका के बारे में और ये मेरा एक एम्बिशियस है कि मैं श्रीलंका चला जाऊं और मैं विजिट पे चला जाऊं जरूर जाऊंगा एजुकेशन क्लास से जाऊंगा लव यू श्रीलंका अच्छा ज्यादातर लोग ना कह रहे हैं एजुकेशन पर्पस मतलब उधर नॉलेज बहुत ज्यादा लव फ्रॉम पाकिस्तान ओके श्रीलंकन लव यू एवरीवन लव फ्रॉम पाकिस्तान लव फ्रॉम पाकिस्तान लव फ्रॉम पाकिस्तान लव यू श्रीलंका लव यू श्रीलंका लव यू एवरीवन लव फॉर पाकिस्तान टू श्रीलंका वी लव यू ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद लव फॉर श्रीलंका गुड लव फॉर श्रीलंका हाँ सुकून आ गया हमारे लोगों की तरफ कितना ज्यादा जानते हैं दिल की बातें की हैं कुछ ने हाँ वैसे मैं बोल रहा था कि संगकारा के ज्यादा फैन होंगे मलिंगा के ज्यादा थे क्रिकेटर उसने दुनिया में हलचल मचा दी थी बिल्कुल जबरदस्त उसका लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर संगकारा या एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया का ये दो थे जो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट थे लेकिन इंसान के लिहाज से देखा संगकारा बेस्ट बेस्ट बिहेवियर उसका
बहुत जबरदस्त। सुना जो सराइकी लैंग्वेज श्रीलंका की कौमी है वो तुमने सुनी है कहीं? नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ सराइकी लैंग्वेज इधर पाकिस्तान में सबसे अच्छी और मीठी जबान है। जबान है पंजाबी की एक किस्म है जो मुल्तान में ज्यादातर इसी साइड पे बोली जाती है, और इसको उन्होंने श्रीलंका की अच्छा मेरी उनसे नहीं रोक ली क्योंकि हमारी फेवरेट और फनी जबान है सराइकी, मायने रखा जाता है, माफ कर दीजिएगा। बहुत जबरदस्त था जिस तरह के लोगों का था, ज्यादातर लोग ना श्रीलंका के बारे में बहुत कुछ जानते भी थे इधर, जैसा देखने को मिला। बहुत जानते थे। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिस भाई ने ये इंटरव्यू लिया है भाई उनके चैनल नकीब खान कर दे, और इनका चैनल का नेम हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लीज़, बाय बाय।